छत्तीसगढ़ में पंचायत विभाग से इस्तीफा देने के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव सोमवार को पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। इस्तीफे के सवाल पर सिंहदेव ने कहा कि विभाग में शायद मैं कारगर नहीं हो रहा था। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में खराब काम होने की बातें कही थी। केंद्र की योजना PMGAY को लेकर छत्तीसगढ़ में खराब काम के आरोप लगे थे। उन्होंने कहा, शायद मैं मंत्री ना रहूं तो बेहतर काम हूं। दिल्ली के दौरे पर उन्होंने कहा कि दिल्ली का दौरा पहले से ही निर्धारित था। हालांकि उन्होंने कहा कि आलाकमान से मुलाकात का समय मांगा है। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। वहीं कांग्रेस के 14 विधायकों ने इस्तीफे को अनुशासनहीनता बताने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अनुभवी विधायकों को अगर लगता है कि अनुशासनहीनता है तो अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने अपनी मंशा पत्र के माध्यम से रखी थी। केंद्र के पंचायत राज मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। केंद्रीय मंत्री ने अपने दौरे पर प्रारंभ में टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना और रोजगार योजना में बहुत खराब और कमजोर काम कर रहा है। पार्टी कहती है तो जब आदमी पार्टी के अधीन है और हाईकमान कहता है तो कोई विकल्प नहीं रहता, मन कुछ और रहता है। सर, पत्र को लेकर आपके पत्र को लेकर कांग्रेस के 14 विधायकों ने इसे अनुशासनहीनता बताया, कैसे देखते हैं? अनुभवी है उन लोग भी, कुछ नए भी विधायक हैं, लेकिन काफी लंबा उनका कार्यकाल रहा है, उनका दृष्टिकोण है। अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने का। मैंने अपनी मंशा उस पत्र के माध्यम से व्यक्त की थी। केंद्र के पंचायती राज मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और अपने दौरे के प्रारंभ में ही मेरे ख्याल से उन्होंने टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास में और रोजगार गारंटी में बहुत खराब काम कर रहा है, कमजोर काम कर रहा है। उस बात को भी अपने ऊपर लेते हुए, हम लोग सरकार के हिस्से हैं लेकिन मैं अगर मंत्री हूं उस विभाग का तो पहला दायित्व मेरा है, और इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। ये सब भी बातें थी। और बातें थी कि मैं वहां कुछ प्रस्ताव थे जो पहले से भी गए थे वो नहीं हो पा रहे थे, तो शायद मैं वहां पर मंत्री के रूप में उस विभाग में वैसा कारगर नहीं हो पा रहा था जैसा मुझे भी होना चाहिए महसूस होता, या लोगों के बीच में भी जनप्रतिनिधि भी ना खुश थे। हमेशा होना चाहिए। दिल्ली जा रहे हैं, किन नेताओं से मुलाकात है, इस्तीफे को लेकर भी चर्चा होगी आला नेताओं से? मैं दिल्ली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से जा रहा था, घटनाक्रम तो बीच में आ गया। अहमदाबाद में वहां पर अशोक गहलोत जी ने 20 तारीख को सुबह 11 बजे मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग को अटेंड करने वाया दिल्ली जा रहा था, और स्वाभाविक है कि दिल्ली जब आदमी रहता है तो शीर्ष नेताओं से मिलने का समय मांगता है, मिलता है नहीं मिलता है उसके हिसाब से फिर मुलाकातें होती हैं। खतरे में रहेंगे